नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। कोई देश कितना मजबूत है ये उसके नेतृत्व पर निर्भर करता है। एक ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दुश्मनों से अपने देश की हिफाजत कर सकता है। मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच यही अंतर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ रूस के पास पुतिन के रूप में एक अनुभवी और मजबूत राष्ट्रपति है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के पास व्लादिमीर जेलेंस्की है, जिनके पास अनुभव तो है लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन करने का। ऐसे इमरजेंसी वाले हालातों में आज यूक्रेन के लोग यूलिया तिमेंसेनकोवा को याद कर रहे हैं। यूलिया यूक्रेन की पहली महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और रूस के खिलाफ वो खुलकर अपने विचार रखती थी। यूक्रेन के लोगों की माने तो उनके देश पर हमला करने वाला रूस भी कभी यूलिया तिमेंसेनकोवा को नहीं भूल पाएगा। मौजूदा वक्त में यूक्रेन में पैदा हुए संकट के बीच लोगों का मानना है कि अगर आज देश की कमान यूलिया के हाथों में होती तो शायद आज हालात इतने बदतर ना होते। यूलिया को ग्रीन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अब अपनी जिस महिला नेता के इतने मजबूत होने का दावा लोग कर रहे हैं उनके बारे में भी आप जरूर जान लीजिए। मसलन यूलिया कौन थी, कैसे उन्होंने यूक्रेन के लोगों का विश्वास जीता और क्यों उन्हें ग्रीन क्वीन के नाम से जाना जाने लगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। एक सफल बिजनेस वूमेन के तौर पर खुद को साबित करने के बाद राजनीति में यूलिया की एंट्री हुई। लोगों का समर्थन पाकर वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। यूलिया 2007 से लेकर 2010 तक यूक्रेन की प्रधानमंत्री रही। उन्होंने अपनी कार्यशैली और मिजाज से यूक्रेन के लोगों का विश्वास जीता। यूक्रेन के लोगों के बीच उनकी छवि सकारात्मक और देश के लिए लड़ने वाली प्रधानमंत्री की छवि बन गई। बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान यूलिया तिमेंसेनकोवा ने हमेशा से ही रूस को सख्त लहजे में जवाब दिया। यूलिया बिना लड़े एक इंच जमीन भी रूस को देने को राजी नहीं थी। उनके सख्त लहजे से रूस भी खौफ खाता था। यूक्रेन की सफल वुमेन में शामिल यूलिया का बड़े स्तर पर गैस का कारोबार है, इसलिए उन्हें गैस क्वीन के भी नाम से जाना जाता है। 2004 में यूक्रेन में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस समर्थित विक्टर यानुकोविक की जीत हुई। इस जीत के बाद यूलिया समेत कई विपक्षी नेताओं ने विक्टर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस विरोध के कारण यूक्रेन में ऑरेंज रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। विक्टर का विरोध करने में सबसे आगे यूलिया खड़ी थी। उनकी पार्टी के झंडे का रंग ऑरेंज होने की वजह से इस विरोध को ऑरेंज रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। यूलिया ने अपने तर्क रखे और पीछे नहीं हटी। उन्हें यूक्रेन के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। नतीजा ये रहा कि रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2010 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें यूलिया विक्टर यानुकोविक से सिर्फ 3.3% वोट से पिछड़ गई। विक्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर यूलिया से 2004 में हुए विरोध का बदला लिया। विक्टर ने यूलिया पर गैस डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। वे 2011 से 2014 तक जेल में रही। जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हालांकि यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक कई देशों का समर्थन यूलिया को ही मिला। तो ये थी यूक्रेन की ग्रीन क्वीन यूलिया तिमेंसेनकोवा की कहानी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ताजा अपडेट के लिए न्यूज रूम पोस्ट पर। नमस्कार।